आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैसी। भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक अपील, हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर आजादी के अमृत महोत्सव में भागीदार बने, हर घर तिरंगा लहराए। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नीम के पेड़ पर तिरंगा लगाते समय 12 वर्षीय एक किशोर हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आकर घायल हो गया है। मामला औराई के भगवती दासपुर का है। बताया जाता है कि मनोज बिंद का 12 वर्षीय पुत्र शशि कुमार बिंद अपने घर के सामने मौजूद नीम के पेड़ पर तिरंगा बांध रहा था, जिससे पेड़ की टहनियां हाई टेंशन विद्युत तार की जद में आ गईं, जिससे शशि कुमार नीम के पेड़ से नीचे गिरकर घायल हो गया। आनन फानन में परिजन एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उपचार कर घर भेज दिया। जमीनी विवाद में दिव्यांग व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। फरियाद लेकर दिव्यांग पुलिस चौकी पर पहुंचा था। मामला भदोही कोतवाली इलाके के रजपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत सुल्तानापुर गांव का है। परिवार के साथ पहुंचे सोमनाथ यादव ने कहा कि उसके पटीदार धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। मना करने पर उसे मारा पीटा गया। रजपुरा पुलिस चौकी पर एक शिकायती पत्र देते हुए दिव्यांग सोमनाथ यादव ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। रक्षाबंधन के पर्व पर गोपीगंज के मदनपुर में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का शुभारंभ ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने खिलाड़ियों को माला पहनाकर परिचय प्राप्त करते हुए किया है। कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। विधायक ने कहा कि ऐसे प्रतियोगिता से गांव की मिट्टी में छिपी प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलती है। इस मौके पर मुरलीधर बिंद, राकेश बिंद, सूरज कुमार, राजन सिंह आदि मौजूद रहे। कबड्डी की इस प्रतियोगिता को नवयुवक मंगल दल द्वारा आयोजित कराया गया था। एकल विद्यालय की बहनों ने भाई बहन के अटूट पर्व रक्षा बंधन पर पुलिस के जवानों को राखियां बांधी हैं। गुरुवार को एकल विद्यालय की बहनों ने गोपीगंज प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह को राखी बांधते हुए मुंह मीठा कराया है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर अरविंद कुमार पांडे को भी राखी बांधी है। इस दौरान एकल विद्यालय की बहनों ने कहा कि पुलिस के जवान अपने घरों से दूर रहकर हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, राखी से कलाई सूनी न रहे। ऐसे में एकल विद्यालय की बहनों ने यह निर्णय लेते हुए पुलिस भाइयों की कलाइयों को राखियों से सजाया है। इस मौके पर ज्योति नारायण, रीता देवी, माला रानी, सीमा मौजूद रही। हर घर तिरंगा अभियान के जागरूकता को लेकर भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में तहसील भदोही से धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। दर्जनों की संख्या में मौजूद अधिवक्ताओं ने हाथों में तिरंगा लिए हुए भारत माता के नारे लगा रहे थे। अधिवक्ता भदोही तहसील से तिरंगा यात्रा लेकर रजपुरा तक पहुंचे थे और हर घर तिरंगा लगाए जाने की अपील की है। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट प्रसन्न कुमार मिश्रा, एडवोकेट आशीष दुबे, इंद्रदेव मौर्या, अवधेश सिंह आदि मौजूद रहे। मूसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम में गुरुवार को युवा कल्याण विभाग की ओर से भदोही ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल का खेल मूसीलाटपुर व बनियापुर की टीम के बीच कराया गया था, जिसमें मूसीलाटपुर की टीम विजेता रही। इसी तरह दौड़, गोल थ्रो, कबड्डी, कुश्ती जैसे खेलों की प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता समापन के मौके पर विजेता खिलाड़ियों को युवा कल्याण अधिकारी दिनेश त्रिपाठी, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी काशीनाथ ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर भदोही शहर में हिंदू बहनों का अपने मुस्लिम भाई से अटूट प्यार का रिश्ता देखने को मिला। यह रिश्ता पिछले 25 वर्षों से कायम है। इस रक्षाबंधन पर भी हिंदू बहनों का प्यार अपने मुस्लिम भाई पर न्यौछावर हुआ। आपको बता दें कि भदोही शहर की कुछ हिंदू बहनें पिछले 25 वर्षों से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी को रक्षा बांधने पर भाई बहन के अटूट प्यार का धागा राखी बांधती चली आ रही हैं। जहां गुरुवार को पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के आवास पर पहुंचकर बहनों ने मुस्लिम भाई के हाथों पर राखियां सजाई।
गुरुवार को दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर में टेक्निकल एक्सपर्ट यूनिट टीम के डॉक्टरों ने पहुंचकर सुरक्षित प्रसव की ट्रेनिंग दी है। अभी कुछ दिन पहले सीएससी भानीपुर का लोकार्पण हुआ है। टीम में शामिल डॉक्टर राजू सिन्हा ने प्रसव कक्ष का निरीक्षण भी किया, जहां प्रसव कक्ष को साफ सुथरा रखने की हिदायत देते हुए सीएससी में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित प्रसव की जानकारी दी है। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुरुवार को शहीदों को नमन किया गया। ज्ञानपुर के शीतलपाल तिराहे पर पहुंचकर ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतलपाल को पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। इसी तरह गोपीगंज के शहीद झूरी सिंह स्मारक पर पहुंचकर भाजपा के जिला महामंत्री रमेश पांडे ने शहीद झूरी के स्मारक पर माल्यार्पण किया और उनके बलिदान को याद करते हुए हर घर तिरंगा फहराए जाने की अपील की है। इस मौके पर अश्वनी अग्रवाल, ईश्वर लाल बर्नवाल, राहुल चौबे, स्वतंत्र जायसवाल मौजूद रहे। मुंबई से बिहार जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन में तकनीकी खराबी आने के कारण माधो सिंह व ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के मध्य खड़ी हो गई। आई खराबी को लगभग 39 मिनट के बाद ठीक कर गाड़ी को रवाना किया गया। बताया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में आई खराबी के कारण पवन एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हो गई थी, जहां लोगो पायलट द्वारा ट्रेन में आई खराबी को ठीक किया गया। पवन एक्सप्रेस ट्रेन में आई खराबी के चलते सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर खड़ा करना पड़ा था। इससे दोनों गाड़ियां लेट हो गई थी। गोपीगंज गिराई स्थित हजरत शेख शहीद बाबा निजामुद्दीन का सालाना उर्स 16 अगस्त को मनाया जाएगा। जानकारी देते हुए मुनव्वर अली ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 अगस्त दिन मंगलवार को सालाना उर्स का आयोजन किया गया है। गहरपुर से गागर और चादर का जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में शामिल लोग दरगाह शरीफ पर पहुंचकर चादर पोशी करेंगे। रक्षाबंधन पर्व पर ऊस थाना इलाके के डीह ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा कंचनपुर में लंबी कूद कूड़ी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। यह आयोजन ग्राम सभा के ग्रामीणों द्वारा आयोजित की गई थी। लंबी कूद कूड़ी प्रतियोगिता में नीरज सरोज प्रथम, दूसरे स्थान पर सनी देओल व तीसरे पर चुलबुल सरोज रहे। सभी विजेताओं को बीडीसी मुंशीलाल बिंद ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में आकाश निषाद, राजा सरोज, देवा निषाद, रजित राम सरोज, पंकज सरोज सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के पूरे रघुनाथ स्थित फलाहारी बाबा मंदिर के वार्षिक श्रृंगार के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां लोगों ने दर्शन पूजन कर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फलाहारी बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। फलाहारी बाबा मंदिर पर 51 किलो का पीतल का घंटा भी चढ़ाया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अनिल उपाध्याय, राजकुमार, रत्नेश, शीतला प्रसाद आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, डीएम आरका अखौरी ने दीप प्रज्वलित करते हुए मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया है, जहां महाविद्यालय की छात्रा अनुराधा चौरसिया ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर केएनपीजी के प्रचार डॉक्टर पीएन डोगरे ने सभी अतिथियों को बैज लगाकर स्वागत किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। साथ ही सभी से हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। इस मौके पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह, सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार मौजूद रहे। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत होमगार्ड के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का जोश भरा है। होमगार्ड के भदोही जिला कमांडेंट सुनील कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा भदोही शहर के रजपुरा चौराहे से निकाली गई थी। तिरंगा यात्रा को भदोही सीओ अजय कुमार चौहान ने रवाना किया। यात्रा डीजे में बज रहे देशभक्ति गीतों के साथ रजपुरा से शुरू हुई और भदोही शहर के चौरी रोड होते हुए खंड विकास कार्यालय भदोही पहुंची।
इस मौके पर मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, बटेश्वर तिवारी, सुशील त्रिपाठी, रवि आश्रय पाठक मौजूद रहे। इसी तरह गोपीगंज में भी होमगार्ड के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। बाबा बड़े शिव मंदिर परिसर से होमगार्ड के जवानों ने यह यात्रा निकाली थी और राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए ब्लॉक सभागार ज्ञानपुर तक पहुँचे होमगार्ड के जवानों ने भारत माता जय का नारा लगाया। इस मौके पर मंटू सिंह, दीपक मिश्रा, राजन सिंह, गणेश कौशल आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में सपाइयों ने भदोही में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली थी। रैली भदोही शहर के फत्तूपुर से होते हुए पकरी तिरहा फूलन देवी प्रतिमा पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां हिंदुस्तान जिंदाबाद व भारत माता के जयकारे लगाए गए। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भदोही आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि सभी समाजवादी साथी स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करते हुए अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। सपा के इस तिरंगा यात्रा में जितेंद्र राय, भग्गू यादव, रतनलाल प्रजापति, डॉक्टर आर के बिंद, धर्मराज यादव आदि मौजूद रहे। नगरपालिका परिषद भदोही ने भी गुरुवार को आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा लगाने की अपील की है। तिरंगा रैली अभियान में चेयरमैन अशोक जायसवाल, अधिशासी अधिकारी जी लाल, जेई दिनेश सिंह, प्रदीप कुमार यादव, टीएस तेज बहादुर यादव, सभी सभासद व कर्मचारी इमरान मंसूरी सहित भारी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा रैली नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय से निकाली गयी थी। डीजे में बज रहे देशभक्ति गीतों पर रैली में शामिल लोग थिरकते नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भदोही जनपद पूरी तरह तिरंगामय हो गया है। रैलियों की धूम मची है। गोपीगंज नगर के सेंट थॉमस स्कूल के बच्चों ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा अभियान पर जोर दिया है। रैली को विद्यालय के प्रबंधक सैम अब्राहम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। सूर्यामा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लागनबारी के स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर गाँव का भ्रमण किया। अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अभोली ब्लॉक के ब्लॉक संसाधन केंद्र से प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने भी तिरंगा यात्रा के साथ प्रभात फेरी निकाली थी। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान का जुनून भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा कला के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में देखा गया, जहां बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर गांव में पहुंचकर तिरंगा अभियान को सफल बनाए जाने की अपील की है। इस मौके पर ग्राम प्रधान दिनेश पाठक, हेडमास्टर संतोष यादव आदि मौजूद रहे। इसी तरह दुर्गागंज इंटरमीडिएट कॉलेज से प्रधानाचार्य वीरेंद्र प्रताप के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान स्कूली बच्चों ने लोगों के घरों में पहुंचकर तिरंगा भी लगाया। क्षेत्र के 3 गांव का भ्रमण करते हुए बच्चे पुनः कॉलेज पहुंचे, जहां तिरंगा यात्रा की समाप्ति की गई। इस मौके पर सहायक अध्यापक श्रीनाथ पांडे, सुनीता सिंह, शशि भूषण दुबे आदि मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नगर पंचायत सूर्यामा के कर्मियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर हर घर तिरंगा लगाए जाने को लेकर नगर वासियों को जागरूक किया है। रैली को नगर पंचायत अध्यक्ष सूर्यामा गोरेलाल कन्नौजिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सभासद शफीक अहमद सहित कर्मचारीगण मौजूद रहे। हर घर तिरंगा के लिए बच्चों ने रैली निकाली थी। सूर्यामा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय नयपुर के बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर हर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया। रैली नयपुर गांव में भ्रमण कराई गई। इसी तरह ज्ञानपुर के प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय संसारापुर के स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली थी। छोटे छोटे बच्चों ने राष्ट्र ध्वज के लिए बड़े बड़े बुजुर्गों को संदेश दिया। इस दौरान जैसे ही रैली गांव में पहुंची, वैसे ही लोगों ने बच्चों का उत्साह वर्धन भी किया। रैली में प्रधानाध्यापक संतोष मिश्रा व लवकुश कुमार आदि मौजूद रहे।
विद्यालय के बच्चों ने रैली निकालकर तिरंगा फहराने की अपील की है। सराय कंसराय के रामनगर राजकीय बालिका हाई स्कूल की छात्राओं ने रैली निकालकर हर घर तिरंगा लहराने की अपील की है। रैली में प्रिंसिपल सोनम पटेल व दया शंकर विश्वकर्मा सहित तमाम अध्यापकगण व बच्चे मौजूद रहे। इस दौरान अभियान को लेकर जोश से लबरेज स्कूली छात्राओं ने तिरंगा लहराते हुए गांव का भ्रमण किया। इसी तरह भदोही विकास खंड के ग्राम सभा अनेकपुर के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर अभिभावकों को जागरूक किया है और इस अभियान को सार्थक बनाए जाने की अपील की है। रैली में प्रधानाध्यापक चंद्र प्रकाश मौर्य सहित विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य जय प्रकाश मौर्य, नीता अजय सरोज मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के आह्वान पर भदोही जिले के विद्यालयों से तिरंगा यात्रा रैली निकालने की धूम मची है। गुरुवार को भदोही विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मॉडल स्कूल प्रजापतपुर से राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भदोही के बैनर तले स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा रैली निकाली थी और देशभक्त के नारे लगाए। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका कुसुम लता मौजूद रही। इसी तरह औराई विकास खंड के चिंतामणिपुर प्राथमिक विद्यालय के स्कूली बच्चों ने तिरंगा यात्रा रैली के साथ प्रभात फेरी निकाली थी और अमर शहीदों को याद किया गया, जहां बच्चे महात्मा गांधी अमर रहे, भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते चल रहे थे। इस मौके पर प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश पाल, शीतला प्रसाद, सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे। जिला अधिकारी आर का अखौरी की अपील का इस कदर असर हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तिरंगा यात्रा अभियान की धूम मची है। जागरूकता को लेकर बच्चे, बूढ़े, नौजवान हाथों में तिरंगा लेकर सड़क से लेकर पगडंडियों तक निकल चुके हैं। ऐसा ही एक नजारा गुरुवार को ज्ञानपुर इलाके के बैरा खास में देखने को मिला, जहां हाथों में तिरंगा लिए हुए बूढ़े बच्चे जवान गाँव में निकले थे और लोगों को हर घर तिरंगा लगाने की अपील कर रहे थे। इसी तरह ज्ञानपुर के प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर दिति से स्कूली बच्चों ने हर घर तिरंगा जागरूकता रैली निकाली थी। ज्ञानपुर के ही जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों ने भी तिरंगा अभियान रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रचार सीएम सिंह ने किया। यह यात्रा चकडोडर से होते हुए बालीपुर, शीतलपाल तिराहा, दुर्गागंज तिराहा, प्रोफेसर कॉलोनी, जिला कारागार, हॉस्टल चौराहे से होते हुए नवोदय विद्यालय में पहुंचकर समाप्त हुआ। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को भदोही विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय फत्तूपुर के बच्चों ने तिरंगा अभियान रैली निकाली थी। इस अभियान में प्रधानाध्यापक फरीदा जलाल फातिमी व खेल अनुदेशक सुशील कुमार सहित विद्यालय के तमाम अध्यापकगण मौजूद रहे। विद्यालय से निकली तिरंगा यात्रा रैली गाँव के हर दरवाजे पर दस्तक दी और घर पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। इसी तरह डीग विकास खंड के कंपोजिट विद्यालय गोपालपुर व कलिंजरा में भी बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। देशभक्ति का भाव पैदा करने के लिए स्कूली बच्चे गगनभेदी नारा लगा रहे थे, जहां ग्रामीणों ने रैली का स्वागत भी किया था। इस मौके पर प्रधानाध्यापक डॉक्टर मोतीलाल मौर्य, राम भरत यादव, रजित राम आदि मौजूद रहे। गुरुवार को भदोही व चौरी में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जागरूकता अभियान के तहत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। चौरी के प्राथमिक विद्यालय रोटहा व भारती इंटर कॉलेज काशीपुर के छात्र छात्राओं ने चौरी बाजार में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विभिन्न स्लोगन के जरिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान शिक्षकों ने सभी से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। तिरंगा रैली में प्रधानाचार्य अजय कुमार, राकेश, सुरेश मौजूद रहे। इसी तरह भदोही विकास खंड के ग्राम सभा पिपरिस आधारपुर में चाइल्ड लाइन के टीम सदस्य राजेश यादव ने ग्राम सभा में भ्रमण कर राष्ट्रीय ध्वज वितरण करते हुए घरों पर झंडा लगाने की अपील की है। देश प्रेम के जज्बे से लबरेज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कोयरौना के सीतामढ़ी से एक शिक्षण संस्थान द्वारा साइकिल से तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई थी। रैली को कोयरौना थाना अध्यक्ष जय प्रकाश यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उसके बाद खुद ही साइकिल से थाना अध्यक्ष जय प्रकाश यादव दल बल के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हो गए। साइकिल से निकाली गई यह तिरंगा यात्रा रैली लगभग 6 किलोमीटर तक चली थी।
साथ ही झांकी भी निकाली गई थी। यह रैली सीतामढ़ी मुख्य गेट से होते हुए पैगहां बाजार, बनकट, उड़िया बाबा आश्रम, नारे पार पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर विनोद कुमार शुक्ला, मधु शुक्ला, गौरव शुक्ला, दान बहादुर यादव मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भदोही जिले में तिरंगा यात्रा निकालने की धूम मची है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है। पूरा जनपद राष्ट्रीय ध्वज से पट चुका है और लोग देशभक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। गुरुवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत भदोही विकास खंड के भिखारीपुर के कम्पोजिट विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई थी। इस मौके पर प्रधानाचार्य नूरुल हसन, जितेंद्र पटेल मौजूद रहे। इसी तरह ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा चकसुंदर में भी बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर जागरूकता रैली निकाली थी। इस रैली में प्रधान सुभाष चंद मौर्य भी मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भदोही शहर के नई बाजार पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। गगनभेदी नारों के साथ तिरंगा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय पहुंची थी। सूर्यामा ब्लॉक के अर्जुनपुर में राजकीय बालिका हाई स्कूल की छात्राओं द्वारा भी तिरंगा यात्रा अभियान रैली निकाली गई थी। इस मौके पर प्रभारी प्रधानाचार्य पुष्पांजलि शर्मा मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकलने का क्रम भदोही में जारी है। गुरुवार को भाजपा नेता व जिला पंचायत मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में ऊंच के रोही में तिरंगा बाइक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। इसी तरह कोयरौना इलाके के कटरा बाजार से तिरंगा यात्रा अभियान को लेकर बाइक रैली निकाली गई। यह रैली अजय गिरी के नेतृत्व में निकाली गई थी। बाइक रैली लगभग 7 किलोमीटर तक दौड़ाई गई। इसी तरह सूर्यामा के मतेथु गाँव में भाजपा नेता सुनील सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई थी। इस रैली में सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। रैली भारत माता के नारों से गूंजती रही। तिरंगा यात्रा को दानूपुर, जोधापुर सहित समूचे बाजार में भ्रमण कराया गया। इस यात्रा में योगेंद्र सिंह, डॉक्टर अली हसन सिद्दीकी, मथुरा बिंद, रामाकांत तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। चलते चलते आप सभी से अपील, निवेदन, गुजारिश, अगर आप अभी सत्यम न्यूज वेब टीवी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताजा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।